तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई साहब, कल की यूनिवर्स फैन गैदर यार, क्योंकि अभी बात होने वाली है कल की के बारे में। भाई दिल से बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसा रिवोल्यूशन आया है, ऐसा पहला स्टेप रखा गया है, वो भी नाग अश्विन के द्वारा। नाग अश्विन कोई ऐसे बड़े डायरेक्टर नहीं है जिनके बारे में हमने बहुत पहले बहुत कुछ सुना होगा, लाइक एस एस राजा मौली एंड देन हमारे प्रशांत नील और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं। लेकिन नाग अश्विन ने जो काम किया है, बाबा मानना पड़ेगा कि यार इस बंदे के बाद जितना भी लिमिटेड सोर्स था, बहुत बड़ा बजट नहीं था जिस हिसाब का इन्होंने मूवी में दिखाया है। डिस्टोपी नहरा की मूवी में भाई साहब जितना बड़ा आप बजट लगा सकते हो उतना ही कम होता है, चाहे ये चीज हमने प्रूवली देखी है कहां पर, हॉलीवुड में। और हॉलीवुड लेवल का मटेरियल वो 600 650 करोड़ में देना भाई कोई मामूली बात नहीं है। भाई साहब बात यहां पर डिटेलिंग में होने वाली है कल की मूवी को लेकर, तो यहां कोई है कि भाई स्पॉइलर दे रहे हो ये वगैरह वगैरह, तो आप पहले ही यहां से जा सकते हो। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना दी है रिव्यू में, वहां ब्रीफली बात करी है, कोई इतना डिटेलिंग पे बात नहीं करी। तो आपको मोटा मोटा अगर आइडिया लेना है कि भाई मूवी में आपको एक्चुअली मिलने क्या वाला है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाउन कर दूंगा एंड द लास्ट में देख लेना। बात करेंगे भाई कल्कि के बारे में, शुरुआत जहां से करी है ना भाई, चुम्बेश्वरी है। नाग अश्विन, मैं फिर कहता हूं, मैंने रिव्यू में भी पहले बोल रखा है कि नाग अश्विन ये बंदा जिस हिसाब से इसने अपनी डायरेक्शन दी है इस मूवी में, भाई इसके बिना ये मूवी पूरी थी ही नहीं। कोई भी हो जाता, एस एस राजामौली हो जाता, चाहे आप प्रशांत नील को ले आते, भाई मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का कंटेंट वो निकाल के लेके आ जाते, क्योंकि जिस हिसाब का विजन इसने इस्तेमाल किया है। हाँ, कॉपी कहो या इंस्पिरेशन कहो, स्टार वॉर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, तो वो अलग चीज़ है। इंस्पिरेशन इंस्पायर होना चाहिए, एक दूसरे को देख कर ही सीखते हैं। लेकिन ऐसा हॉलीवुड लेवल का मैचअप देना, भाई मैं खुद हॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने एक एक चीज़ छोटी सी छोटी डिटेलिंग में नोटिस हो जाती हैं। यस, इसमें भी हुई है, वो भी बात करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि बात बात पर गूज़बम्प्स ये लोग उठा के जाने वाले हैं। शुरुआत बड़ी प्यारी कर रखी है, एक एक चीज का बहुत अच्छा कनेक्शन कर रखा है। स्टोरी बिल्डअप में भाई सब फर्स्ट हाफ में आपको बोरियत जरूर महसूस होगी कि यार क्या ही चल रहा है ये, भाई इसके लिए वेट कर रहे थे क्या, और इसके लिए हम इतना पैसा देकर आए हैं, और इसके लिए ये जो अभी बारिश बारिश का मौसम चल रहा है, भाई इसमें इतना रिस्क लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लेना, क्योंकि सेकेंड हाफ में आप जैसे ही पहुंचोगे ये सारी खामियां आपकी ओझल सी होने लग जाएंगी। महाभारत का कनेक्शन स्टार्टिंग से दिखाया है कि अश्वत्थामा का रोल यहाँ पर क्या होने वाला है, वाई अश्वत्थामा वहां से यहाँ पर आए हैं, वाई ही सेवियर फॉर कल्कि, जो लास्ट अवतार होने वाला है दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा है, वो सब चीज वहां का स्टार्ट है। देन उसके बाद भाई साहब होती है अपने प्रभास भाई साहब की एंट्री, और वो एंट्री सबसे महारद्दी एंट्री थी इस मूवी को लेकर, जहां प्रभास के नाम पर ये मूवी भी चलाई जा रही है। तो कोई प्रभास का फैन है जो मुझे यहाँ पर गाली दे के जाने वाला है, और जो उसको अपना माई बाप समझता है कि यार भाई तू कैसे बोल सकता है उसके बारे में, ये वो तो खतरनाक सुपरस्टार है, ये वो वगैरह वगैरह, भाई तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए भी है, लेकिन जो चीज़ कॉल आउट करने की है वो कॉल आउट करी जाएगी आपको, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ बुरा लगेगा। दो मिनट रुक जाना, प्रभास की भी तारीफ करूंगा, जहाँ पर जरूरत है वहाँ तारीफ होगी, लेकिन इस चीज़ की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि भाई ये मूवी सीरियसनेस पे एंड टिपिकलनेस पे, वो ओरिजिनैलिटी के बेस पर प्रॉमिस करी जा रही थी, वो वाला हिसाब ना यहाँ सेट करते नहीं आया। आई डोंट नो कि यार ये साउथ का क्या जोनरा है या क्या मेंटलिटी है, वो ओवर एक्टिंग, वो जबरदस्ती का ह्यूमर, वो राजपाल यादव की कॉमिक घुसेड़ना, वो गोविंदा की कॉमिक घुसेड़ना, या फिर रजनीकांत का स्टाइल घुसेड़ना, वाई वाई वाई। प्रभास भाई मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए बना है, प्रभास बना है सीरियसनेस के लिए, सीरियसनेस फाइट के लिए, भाई उससे वो काम करवा, वो सॉलिड काम करके देता है। अब आई डोंट नो कि प्रभास ने इसमें अपनी चुल डालने की कोशिश करी हो, या नाग अश्विन ने यही चुल डालने की कोशिश करी हो कि भाई ठीक है हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि बड़ी मूवी है, फर्क क्या ही पड़ेगा, चूतिए तो आएंगे ही लोग, उन्हें देखेंगे। एंट्री महाबकवास एंट्री है, क्योंकि चार गुंडों के सामने वो घिरा पड़ा है एंड लेट के वो अपनी बकैती काट रहा है, और ये कहाँ होता है भाई। लॉजिक पे बात करें, अगर रियल बेस पे आप चार आदमी से घिरे पड़े हो जो आपके विलेन होने वाले हैं, भाई आपको उधेड़ के फेंक देंगे वो एक मिनट के अंदर अंदर, वो इतना भी मौका नहीं देंगे, और वो वहां पर अपनी
दैट्स वाई कि भाई एंट्री में मुझे नहीं लगा। देन उसके बाद सेकेंड एंट्री प्रभास की होती है, थोड़ा सा क्रिंज मामला अप डाउन होने लग जाता है। लेकिन थर्ड एंट्री पे भाई साहब जब अश्वथ थामा के सामने आमने आते हैं ये दोनों, यहां से हमें रियल प्रभास देखने को मिलता है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि भाई यस प्रभास का अब कमबैक होगा और ये प्रूव करके गया है। देन उसके बाद आगे चलते चलते क्लाइमैक्स के पार्ट पर जब प्रभास पहुंचता है, व्हाट अ सीरियस टिपिकल कैरेक्टर, व्हाट अ सीरियस ओरिजिनैलिटी जो उसने घुसेड़ी है वहां पर भाई, इसके लिए प्रभास को जाना जाता है। वो एक्शन मासी हीरो वो उसके लिए जाना जाता है जो अपने क्लाइमेक्स पार्ट में एंड उससे पहले वाले पार्ट में भी दिखाया गया। क्योंकि अश्वत्थामा के साथ जब जब भी इसकी लड़ाई हुई है तब तब भाई अश्वत्थामा यानी अपने अमिताभ बच्चन भाई इसे फुल ओवरशैडो करके गए हैं। लाइक यार तू क्या ही है मेरे सामने, पाँव की जूती या फिर धूल। वो एवरी टाइम उसे इतना नीचे दिखा के गए हैं, एवरी टाइम उसे बीट डाउन करके गए हैं, ओवरशैडो करके गए हैं। लेकिन क्लाइमेक्स के पार्ट ने ना प्रभास ने भाई सारी बाजी पलट डाली और तुरंत अश्वत्थामा को ऐसा दिखा दिया कि भाई मैं अपनी पे आ जाऊंगा ना तो फिर आगे खतरनाक कहानी हो जाए। क्योंकि उसके पीछे भी एक कनेक्शन है, वो भी महाभारत का कनेक्शन है। प्रभास का भी रोल महाभारत के कनेक्शन से है। खैर ये चीज मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है भाई, बहुत बड़ा पार्ट है। और इसका ना सेकेंड पार्ट में बड़ा ही प्यारा इस्तेमाल होने वाला है, दो चीज का बहुत प्यारा इस्तेमाल होने वाला है सेकेंड पार्ट में, एक अपने प्रभास भाई साहब का और एक अपने कमल हसन भाई साहब का। क्योंकि कमल हसन को अब दिखाया है कि भाई वो एविल तो वो था ही था, उसके द्वारा जो भी स्मार्ट सिटी बनाई गई है, जो भी सब कुछ ये रूडनेस फैलाई गई है, नेगेटिविटी फैलाई गई है, वो एविल कैरेक्टर वो सब कुछ तो था ही था। लेकिन अब जो चीज़ है वो आंखों के सामने हमें दिखाई जाएगी, वो दरिंदगी हमें आंखों के सामने दिखाई जाएगी जो आंखों में कमल हसन के साफ साफ झलक रही है, जो सेकेंड पार्ट के लिए भाई दिल से डिमांड है कि यस इसको बाबा इसके लिए अब चाहिए हमें स्क्रीन प्ले, मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा चाहिए। देन उसके बाद प्रभास के लिए भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा चाहिए, कहाँ महाभारत का कनेक्शन को लेकर, क्योंकि अश्वत्थामा का भाई बहुत रोल हो चुका, महाभारत को लेकर बहुत रोल हो चुका। और जब भी महाभारत का सीन आया है भाई, नाग अश्विन जैसा डायरेक्शन मैं कह रहा हूँ ना भाई, नाग अश्विन को यार बाबा आपका काम रुकना नहीं चाहिए ना, महाभारत पे आप ये लेके जरूर आओ। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है भाई, कल्की को ओवरशैडो कर गया, वो कल्की का जो डिस्टोपियन एरा था वो ओवरशैडो कर गया। अपने महाभारत का इतना जबरदस्त वो हिस्ट्री एंड पिंच ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करा है भाई, नाग अश्विन से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। देन उसके बाद वो VFX एंड CGI, भाई VFX की बात तो मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि इस पे 100 and 100 मार्क्स हैं, इस पे कोई बात नहीं होगी, या आप समझ के चलो कि VFX के पार्ट में कोई कमी है ही नहीं। दैट्स वाई कि मैं अदर पार्ट पे बात कर रहा हूँ जो लग रहा है कि यस बात करनी चाहिए, क्योंकि VFX CGI विजुअल इफेक्ट ऑल आर अमेजिंग, कोई कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं है। और डिस्टोपियन एरा की मूवी भाई साहब चलती ही इसी बेस पर है। और नाग अश्विन अगेन मैं फिर कहूँगा कि भाई प्रूफ किया कि यार मेरे पास 600 करोड़ का बजट है, यस मैं VFX पे भी अच्छा खासा पैसा लगाऊंगा। क्योंकि एक मेन पार्ट यही है जिसकी वजह से लोग यहाँ टिक के रहेंगे, वो विजुअल इफेक्ट, वो सारी चीज़ें जो हॉलीवुड लेवल का भाई कोई नहीं दे सकता था ना, मैंने दिया है। यस यहाँ से रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, इवोल्यूशन यहाँ से होने या आगे जाके और भी इससे बेहतर मिलने वाली है, लेकिन भाई साहब ऐसा फर्स्ट स्टेप रखना बहुत ज़रूरी था। इवोल्यूशन तो अच्छी चीज़ है, आगे जाके लोग और भी इसे फॉलो करेंगे और अपने इंडियन सिनेमा में जब ये चीज़ और भी इवॉल्व हो जाएगी, इवोल्यूट हो जाएगी, तो और मामला तो मज़ा आ ही जाएगा। देन उसके बाद भाई साहब अश्वत्थामा की जब जब एंट्री हुई है, अश्वत्थामा ने दिल लूट लिया है। क्लाइमैक्स के पार्ट में भी दमदार था, वो क्लाइमैक्स का आमने सामने वाला प्रभास और उसका फुल गुत्थम गुत्था लड़ाई, फुल 100% एफर्ट के साथ अश्वत्थामा, अश्वत्थामा वर्सेस भाई दो अश्वत्थामा, वो देख लेना आप कहाँ से कैसा हुआ है वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जबरदस्त था। एक दूसरे से आमने सामने लड़ना और भी बहुत पिंच ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, बहुत सी डिटेलिंग है इस पे, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन पे काम कर रखा है जो आगे जाके रिवील आउट होने वाली है। बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी अगर आपको मौका है वारदात पर हिट करगी ना, आप कनेक्ट कर जाओगे कि भाई क्या बना दिया है यार, क्या बना दिया है। एक वो चीज़ जो सब कुछ सामने दिख रहा है आपके, और एक वो चीज़ जो छोटे से हिंट में देखे गया है कि भाई इसका भी बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वाई कि ये जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो इसमें ये छोटी छोटी कीलें गड़ी हैं, तब जाके ये सीढ़ी आपकी मजबूत है, और वो सीढ़ी वो आपकी वहाँ वो एंटरटेनमेंट का जो हाई सेटिस्फैक्शन है, चरम सुख वो देके जा रहा है, वो सारी चीज़ें भाई। देन उसके बाद लास्ट एंड ब्रेथ टेकिंग मोमेंट क्लाइमेक्स पार्ट भाई, जो ऑसम है, दमदार है,
फुल ऑसम है, क्योंकि यहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम का मुझे मोमेंट याद आ गया, जहाँ पर एक बार थैनोस की अपनी सेना होती है और एवेंजर्स की अपनी सेना होती है, और वो जो आपस में कोलाइट करते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशल पावर होती है ना। तो वो अगर बहुत लोगों ने देखा है तो आप रिलेट कर जाना, और सेम वैसा ही था। लेकिन चीज वहां पर क्या घुसेड़ दी है, स्टार वॉर्स वाली फाइट, क्योंकि स्टार वॉर्स में हमें अधिकतर वो लेजर गन्स या फिर लेजर स्वॉर्ड्स तलवारें देखने को ही मिलती हैं, वो सब चीजें। तो इसे कॉपी कहो या इंस्पिरेशन डजेंट मैटर, क्योंकि भाई वो चीज सब मामला फिट होते नजर आया है। बात करते हैं कि भाई साहब कमियां खामियां क्या क्या हुई हैं, क्योंकि भाई इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता ना, और कमियों को कॉल आउट भी करना चाहिए ताकि आगे जाकर ये सारी चीजें अच्छे रूप में भी मिल जाए। भाई दिशा पटानी मुझे लग रहा है सबसे बड़ी कमी थी, काहे यार क्या जरूरत थी दिशा पटानी को लाने की यहाँ पर। आई डोंट नो कौन इसका फिगर का फैन है, कौन इसके ब्यूटी का फैन है, बट मतलब वो वर्स्ट पार्ट था भाई। वो मैं चाहता था कि यार मेरे हाथ में रिमोट हो और मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूं और ये मोमेंट जल्दी जल्दी निकल जाए। लेकिन दूसरा भाई, दीपिका पादुकोण का करेक्टर भाई दमदार है, सॉलिड है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा चेहरा है तो उसे बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, नहीं, एक ऐसे नॉर्मल ह्यूमन के रूप में, नॉर्मल कैरेक्टर के रूप में उसे यूज करा है। और हाँ, एक नागअश्विन की एक मैं एक खास बात बताऊं, जो अभी तक मैं बहुत से इंडियन डायरेक्टर में नहीं देखता था, क्या सब ऐसा नहीं कि प्रभास है तो प्रभास के नाम पर ही, प्रभास को ही इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया, या प्रभास पे ही सारा हा हुल्ला कि भाई यही है और कोई नहीं है। भाई नहीं, जितनी जरूरत थी प्रभास की उसने उतना दिखाया प्रभास को, जितनी जरूरत थी अश्वत्थामा यानी अपने अमिताभ बच्चन की उसने उतना दिखाया अमिताभ बच्चन को, जितनी जरूरत थी दीपिका पादुकोण को दिखाने की उसने दीपिका पादुकोण को दिखाया, जितनी जरूरत थी कमल हसन को दिखाने की अपने फर्स्ट पार्ट में उसने उसको दिखाया, जिससे वो स्टोरी को फॉर्म कर सके, स्टोरी को बिल्डअप कर सके और आगे जाके मामला ऐसा कुछ क्रिंज ना लगे और लूप होल ना नजर आए किसी को भी। देन उसके बाद हाँ, थोड़ा बहुत वो कमियों में अगर बात करें तो वो जो थर्माकोल गन वगैरह टाइप की देखने को मिल रही थी, जिसपे थोड़ा सा और सीरियसनेस का काम हो सकता था, कि थोड़ा और ओरिजिनलिटी हम इसमें ला सकते थे, वो थोड़ा सा पार्ट डाउन देखने को मिला है। बाकी दूसरा, मूवी की लेंथ 3 घंटा है, अगर इस लेंथ को 2.5 घंटे भी कर देते या 2 घंटा 20 मिनट भी कर देते तब भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि लगा कि यार बहुत सी चीज़ें ये जो थी नहीं थी दिखाने लायक। बट फिर भी कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आपको लास्ट में कोई शिकायत नहीं रहेगी कि यार ये भी क्यों था, क्योंकि बहुत कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा इजली, जो आपकी ये खामियां को दरकिनार कर देगा भाई साहब। बाकी हाँ, मूवी दमदार है, नहीं देखी है तो जाके जरूर देखो भाई। दिस इज माई डिटेलिंग वीडियो, इस पे और भी लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया है। अश्वत्थामा के ऊपर एक अलग से लेकर आएंगे वीडियो कि भाई अश्वत्थामा का इस मूवी में फुल क्या रोल हुआ है। देन भैरवा का भी लेके आएंगे आगे जाकर, जो मैं महाभारत का कनेक्शन बोल रहा हूँ भाई साहब, वो कनेक्शन क्या होने वाला है और महाभारत के कनेक्शन में वो अब क्या रोल आगे हो सकता है सेकेंड पार्ट के लिए, वो भी वीडियो लेके आएंगे। कमल हसन किस हद तक आग तबाही मचा सकता है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। ये जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं इन पे एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पर भाई मैं दिल से बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस मूवी को सेलिब्रेट करना चाहूँगा। जब तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जब तक मेरे पास ये वर्ड्स रहेंगे, जब तक मेरे पास ये एक्साइटमेंट रहेगी, मैं हर दिन इस पर सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि ये मूवी बहुत दमदार है भाई। दैट्स वाई, बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, तो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी ऐसे ही जुड़ी रहिए, और भी जबरदस्त जबरदस्त बातें करेंगे, और आपको इस मूवी से रिलेटेड, इस मूवी के बारे में कुछ बात करनी है या अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचानी है लोगों तक, तो जरूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता के जाना। यस, मैं उसे पढ़ूंगा, उसे एनालाइज करूंगा, रेलिवेंट लगेगी तो उससे शेयर भी करेंगे और उसे डिस्कस भी करेंगे ऑन द स्क्रीन। बाकी भाई जाओ यार देखो इस मूवी को, थिएटर में फील करने लायक है यार ये मूवी। ओटीटी वगैरह में तो देख ही लोगे, दोबारा से फिर देख लेना। यस, न मन नहीं भरेगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि ओटीटी पे ये दोबारा आएगी तो मैं फिर देखूंगा इसको। लेकिन फिलहाल ये भाई मूवी बहुत दमदार है, नागार्जुन का जितना भी रहा है अपना पोटेंशियल, वो सारा पोटेंशियल उन्होंने इसमें दिखाया है, और औसम है, औसम है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।